स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी में। ये संस्थान आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस चला रहा है और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स रिवीजन के तौर पर YouTube पे भी चला रहा है। और इसमें एक जो नई वैकेंसी हमारी आने वाली है TA की, उस TA की वैकेंसी के लिए संस्थान ने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हुई है, जो कि आने वाली जो वैकेंसी जो आगामी शायद कुछ ही समय में जो आपको दिखाई पड़ेगी उसके लिए ऑफलाइन बैचेज है। उसमें हम देखते हैं चार पार्ट होते हैं, एक हिंदी, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ का पार्ट होता है। और उस पार्ट में से सामान्य अध्ययन पार्ट के लिए मैं अनुराग सिंह आपके साथ लगातार इसी तरीके से जुड़ता रहूंगा, एक नए अंदाज के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो हम लोग आज इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। आखिर वो होता क्या है? हम अगर देखें आपका जो सिलेबस है TA या किसी भी कंपटीशन एग्जाम को लें, तो हम ये चीज देखते हैं कि उसमें से एक पार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है हर एग्जाम में, हर परीक्षा में उससे दो तीन क्वेश्चन दिखते हैं, वो है हमारा संविधान। और संविधान के भी में अगर देखें तो हमारे इसमें अलग अलग पार्ट है, पूरे 22 पार्ट, जबकि इस टाइम हम अगर सब पार्ट को भी जोड़ लेते हैं तो 25 पार्ट बन जाते हैं। उन्हीं में से एक पार्ट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके जिंदगी जीवन के लिए साथ साथ आपके एग्जाम के लिए, वो भाग 3 यानी मौलिक का अधिकार। तो आज हम लोग इसको पढ़ते दोनों तरीके से, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक, यानी मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। क्या होते हैं भाई, समझते हैं मौलिक अधिकार। या फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये, यानी किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए जो अधिकारों की आवश्यकता होती है वही उसके क्या होते हैं, मौलिक अधिकार। यानी इनका अगर हम देखें तो इनका एक ओरिजिन चलता है कि पहले क्या होता था, राजशाही थी, और राजशाही के दौरान हम देखें तो लोगों के लिए उतनी फ्रीडम नहीं थी, उतनी स्वतंत्रता नहीं थी अपने कामों के लिए। लेकिन अगर हम ये चीज देखते हैं कि एक घटना घटी, और घटना घटी इंग्लैंड से, और इंग्लैंड की घटना के बाद अगर हम देखें तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली बार लोगों को अधिकार देने की परंपरा स्टार्ट हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकारों की बात हुई। इसके बाद देखते हैं अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों की बात हुई। अगर हम करें तो हमने जहां से मौलिक अधिकार लिए वो हमने लिए हैं अमेरिका से। अमेरिका में 1791 में एक अधिनियम पारित किया गया था जो संविधान में बाद में जोड़ा गया, जबकि उनके मूल संविधान में ये चीज नहीं थी, उन्होंने बाद में जोड़ा बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, और इस बिल ऑफ राइट्स में थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद इसको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के नाम से हमने इसको स्वीकार किया। यही इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट जरूर है, हम ये देखते हैं क्योंकि हर देश के अपने अपने संविधान होते हैं, अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, और इस कारण से थोड़ा सा चेंजमेंट किए। तो हमने अपने संविधान में भाग यानी पार्ट 3 यानी भाग 3 में हमने फंडामेंटल या मौलिक अधिकारों को रखा, और इनमें हमने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार। हाँ, इसमें मौलिक अधिकार तो जो मूल संविधान में थे वो हमारे पास कुल, जो मूल संविधान में, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे मूल अधिकार जो है वो मौलिक संविधान में कितने थे, यानी जो हमारे मूल संविधान उसमें कितने थे और बाद में अब कितने हैं, इस टाइप के दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मूल संविधान में थे उनकी बात करें तो वो हमारे पास 7 थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, यानी मूल संविधान में कुछ 7 मौलिक अधिकार थे, और जो वर्तमान में
वर्तमान संविधान में कितने हैं? कुल छह। अब एक गायब हो गया, आखिर में एक गया कौन? हाँ, एक गया। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अभी हम लोग थोड़ा सा फैक्ट पे बात कर रहे हैं, इनकी भी दिलचस्प कहानी क्या है कि एक हमारे यहां पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने मोरारजी देसाई। इससे पहले 10 बार बजट पास कर चुके थे। अब उनको यह पता था कि राष्ट्र के विकास के लिए हमें किसी ना किसी चीज के लिए किसी की संपत्ति का हड़प करनी पड़ रही है, संपत्ति का अधिग्रहण करना पड़ रहा है। तो जैसे ही वो सत्ता में आए और उनके सत्ता में आते ही उन्होंने इन 7 में से एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि हमारा अनुच्छेद 31 था, और इस संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। और कब हटाया? इसके लिए हमें मौलिक अधिकारों को हटाने के लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। और हमें जब संविधान संशोधन की आवश्यकता हुई तो हमने किया 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। और इसको ले जाकर हमने पुट कर दिया जाके 300A में, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 300A में हम दिए। ये हमने क्या किया? चेंज कर दिया, यानी जो मौलिक अधिकार था। तो वर्तमान में हमारे पास कितने मिलते हैं? 6। अब हम इन 6 मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं 6। दूसरी चीज, चलो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मौलिक अधिकारों से में ये क्या है? ये राज्य के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को दिए गए अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति। अब क्या होगा कि राज्य में कोई रह रहा है तो सरकार के हिसाब से खाना थोड़ी ही खाएगा, ना सरकार के हिसाब से कपड़े पहनेगा, और ना सरकार के हिसाब से कहेगा कि वहां मत जाओ, वहां जाओगे तुम्हारे पीटे जाओगे। तो मतलब जीने के लिए कुछ अधिकार आवश्यक है, तो उन अधिकारों के लिए ही ये मौलिक अधिकार है। तो ये क्या कहा जाए? एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये राज्य के क्या है? विरुद्ध अधिकार है, यानी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध दिए गए अधिकार है। तो ये राज्य, यानी कोई भी व्यक्ति, ऐसा क्यों है कि राज्य के विरुद्ध है? अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिस्टम हमारा क्या है, हमारे पास 3 तरीके की होती चीजें। एक होता है कार्यपालिका, एक होती व्यवस्थापिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। हम एक चीज देखते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक साथ जुड़ी हुई है, और न्यायपालिका उन दोनों से स्वतंत्र अवस्था में है। जब हमें इनसे प्रॉब्लम या इनके कारण कोई घटना या समस्या क्रिएट होती है तो हम कहां चले जाते हैं? न्यायपालिका। तो ऐसा ही है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों से हमें कोई रोकता है तो हम कहां चले जाते हैं? कोर्ट के पास, यानी न्याय प्रणाली के पास। तो इसी तरीके से हमारे पास कुल कितने? 6 अधिकार थे। अब हम 6 अधिकारों की बात करते हैं, फिर देखते हैं इसको आसान कैसे बनाया जाए। याद करने के लिए कुछ ऐसा ट्रिक डाला जाए इससे आसान हो जाए और रटा भी ना जाए। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सीधे क्वेश्चन अगर आता है अनुच्छेद पे तो सीधे कैसे करें? तो पहले हम ये समझ लेते हैं इनका एक क्रम कि कौन से क्रम पे कौन कौन से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी हमारा मैचिंग का या डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा मौलिक अधिकार किस किस अनुच्छेद के बीच में है। तो पहले ये चीज समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप पहले अभी तक के जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखिए। पहला कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी बात की, अमेरिका। दूसरी बात, किस मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? 3, हम बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के बीच में दिए गए? अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर हम बात करते हैं कि मूल संविधान में कितने हमारे मौलिक अधिकार थे? तो 7, और वर्तमान में कितने? 6। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है
जिसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। ये क्या है हमारे क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन कौन सा किया गया 44वां, कब 1978। ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार छह हैं कौन कौन से, चलो पहला समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी कहां से 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा अभी हम लोग इनको ट्रिक से भी देखेंगे, सारे के सारे ट्रिक से कैसे याद किए जा सकते हैं अगली बात करें तो। दूसरा क्या होगा भाई स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अगला बात तीसरा क्या बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार कहां से 23 से 24 यानी इसमें दो 23 और 24। चौथा बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो हमारा सबूत है 2 अर्टिकल 29 और 30। और लास्ट अंतिम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है क्या है संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। हम बात करते हैं ना अनुच्छेद 32। अब ये तो चलिए मान लिया, आप लोग कहते हैं कि लो सर आपने तो याद कर लिए, हम कैसे याद करें, तो जरूरी थोड़ी ना रट्टा ही मान लो। तो आप कहोगे कि हम कैसे याद करेंगे सर आपने तो याद कर लिए, आपको तो रटे हुए हैं। अरे भाई रट काय लेंगे, हम भी समझने की कोशिश करेंगे। ये है कि हमने जल्दी समझ लिया, आप मेरे द्वारा समझ लें। कैसे समझ लेते हैं कि अगर मान लो कहीं पर हमारे पास क्या है समानता है, यानी सभी लोग बराबर हैं। पहली चीज अगर हमने कहा जाए कि यहां सब लोग क्या है बराबर, इक्वालिटी रखते हैं, सभी बराबर, कोई भी अलग नहीं है। अब जब सभी लोग बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, जहां पर सब लोग बराबर होंगे इसका मतलब वहां स्वतंत्रता भी होगी, भाई सबके अधिकार बराबर तो क्या है सबके पास स्वतंत्रता। तो यानी समानता है, अगर सभी बराबर है तो उनके पास क्या होगी स्वतंत्रता होगी। अब जब स्वतंत्रता किसी की कुछ बढ़ जाती है तो किसी को पसंद नहीं आएगी, क्या लोग इतना स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्या कोई ना कोई ऐसा बाहुबली या कोई व्यक्ति निकल के आएगा जो आपका शोषण करेगा। तो जहां स्वतंत्रता स्टार्ट ज्यादा बढ़ने लगती है वहां पे क्या होने लगता है कोई ना कोई शोषण वाला भी रहेगा, क्योंकि आपके शोषण स्वतंत्रता को कैसे कम किया जाए तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यानी शोषण।
अगर हमारा ये शोषण करने वाला व्यक्ति है, अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है, तो तुम भी आप भी जानते हैं कि जब कोई शोषण कर रहा होता तो एक ही नाम याद आता है, भगवान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यानी क्या धर्म की तरफ भागने लगते हैं। तो वहां पर आपको कौन से मंदिर जाना है, कहां जाना है, इस बात की स्वतंत्रता, यानी फिर आपके पास क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। और आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता है तो आप धर्म में मंदिर जाएंगे तो लेट के पूजा करेंगे, बैठ के पूजा करेंगे, क्या पहन के जाएंगे, हमारी क्या संस्कृति, हम कैसे पूजा करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, आप खुद करेंगे। यानी अगर धर्म है तो वहां क्या होगी, संस्कृति जुड़ी होगी कि इस मंदिर में जाइए तो ये नारियल चढ़ता है और उस मंदिर में जाइए तो हलवा चढ़ता है, वहां की क्या है संस्कृति। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, संस्कृत की भी, संस्कृत की भी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब ये सारी स्वतंत्रताएं तो आपके पास हैं और इनको हम कह रहे हैं कि कोई शोषण कर रहा है, कोई ना कोई रोक रहा है, और जब इनको कोई रोकेगा तो आप किसके पास जाएंगे। इसीलिए एक प्रावधान किया गया अंत में कि आपके लिए जितनी भी स्वतंत्रताएं आपको उनसे संरक्षण देने का अधिकार, यानी अगर कोई आपको रोकता है तो आप सीधे इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं, यही होता है क्या संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप अब तक समझ गए कि याद कैसे करना है, रटना नहीं है, वरना रटते तो आप जिंदगी भर रहे हैं और आगे भी रटते रहेंगे, क्योंकि जीएस को आपने ऐसा बना ही रखा है कि रटने का विषय है। समझो, मजा आएगा इसमें पढ़ने में। हर पीछे दो चीजें, कॉन्सेप्ट ट्रिक, और जब दोनों खत्म हो जाए तो कॉन्सेप्ट ट्रिक और इसके बाद क्या प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट से समझिए, ट्रिक से याद भी कर लीजिए और इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अन्य विषय में आप अभी देखेंगे इतिहास, इतिहास में देखो उसका नया चीज एक हम जोड़ देंगे कि आप उसको कहानी के तौर पे पढ़िए, एक कहानी बना देंगे उसकी पूरी फ्रेम, यानी जैसे मूवी देखते हैं ना थिएटर में, सिर्फ वही सीन तरीके, कहानी भी सुनिए, लिखा भी लीजिए और कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। हाँ, तो अब आपकी समस्या का समाधान यहीं से कि आप कहते हो सर ये याद कैसे होंगे, अब इतने तो ये अनुच्छेद हो गए, इसके बाद आप आगे कैसे याद करें, चलो इतना तो आपने याद करा दिया, अब इनको आगे कैसे याद करते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि इनको कैसे आगे याद करेंगे। तो चलो पहले से शुरुआत करते हैं, समानता का अधिकार। यानी समानता का अधिकार किस बात का है, यानी किसी भी प्रकार की समानता हो सकती है कि सब बराबर है, तो किसी भी प्रकार की, तो इसको मैं जरा थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक ट्रिक ले आते हैं, तो सुनो क्या ट्रिक लेके आते हैं भाई। चलिए देखो, समझ लेना इक्वल ना, यानी समान कानून क्या करता है, removes all doubt, क्या करता है, इक्वल, यानी जब सबके लिए क्या हो, समान कानून हो, वहां पर किसी को इस बात का डाउट नहीं रहता कि हमारे साथ क्या होगा, जो मेरे साथ होगा वो दूसरे के साथ होगा। तो अब इसको ठीक से, यानी सारे अनुच्छेद एक ही लाइन में और बिल्कुल सेंटेंस परफेक्ट इक्वल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी अगेंस्ट लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी सबकी क्या है समानता का अधिकार। किसके लिए, कानून से, यानी दो टर्म चलते हैं उनपे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब बात करेंगे,
यानी क्या होगा, पहला समानता का अधिकार, यानी कानून के प्रति सभी लोग क्या है, समान है। अब इसमें भी दो टर्म चलते हैं, अभी थोड़ी देर में उनकी बात करें, पहला देखा, दूसरा इंग्लिश वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भिन्नता, यानी भिन्नता के विरुद्ध आपको जो अधिकार दिया गया आर्टिकल 15, आपसे यह कहा जाता है कि आपको मूल, मूल वंश, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर सरकार आपसे भेदभाव नहीं कर सकती, यानी भिन्नता नहीं कर सकती, आर्टिकल 15। आइए आगे बात करते हैं, सारे देखिए फ्रेम में बिल्कुल कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओ क्या अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या अवसर की स्वतंत्रता, यानी सभी लोगों को अवसर मिलेगा कि वो अपनी इच्छा अनुसार नौकरी को प्राप्त कर ले, सभी बराबर है। हाँ, इनमें कुछ अलग अलग अपवाद भी हैं, उन पे हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो उन पे भी चर्चा कर लेंगे। आर्टिकल अनुच्छेद 16, आगे बात करते हैं यू वर्ड, क्या होगा अनटचबिलिटी, अस्पर्शता, यानी अस्पर्शता के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया बहुत ही अनुच्छेद 17, ये टी टाइटल उपाधि, यानी उपाधियों को आपको रोका गया कि आप केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं, अनुच्छेद 18। अब बताओ, अब हमें नहीं लगता आपको इतनी चीजों में दिक्कत है, एक लाइन में सारे के सारे अनुच्छेद, ट्रिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे यूज कर लिया, तो आपको पूरा एक फ्रेम मिल गया। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ, तो हमने देखे, अब हम इनकी बात कर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, आखिर में है क्या। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, समानता का अधिकार, यानी आपको किसकी समानता का अधिकार, ये दो बातों को बोल के आता है, एक विधियों का समान संरक्षण और एक विधि का शासन, इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी अगेंस्ट लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो चीजें लेके आता है, एक अमेरिका से लिया गया एक ब्रिटेन से लिया गया, यानी दो चीजों, यानी आपको कानून के प्रति समानता बताता है कि आप कानून के लिए सभी लोग बराबर हैं। क्या क्या बोलता है, विधि की समानता, दूसरा विधियों का समान संरक्षण, दो चीजें, यानी एक विधि की समानता, विधि की समानता का मतलब होता है लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए समान है, फिर चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, महिला हो, पुरुष हो, या इन दोनों बीच वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए क्या है, कानून समान है, ये बोलता है कौन सा, विधि की समानता, और विधियों का समान संरक्षण, ये है हमारा ब्रिटेन से, कहां से, ब्रिटेन से, और विधियों का समान, ये हमारा है यूएसए अमेरिका से, दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या चीज है, दोनों में फर्क ये है, ये बोलता है विधियों का समान संरक्षण
कि अगर एक क्लास बच्चों के लिए कानून अलग हो गए वो सभी बच्चों पर लागू हो गए। जो वयस्क लोग हैं वयस्क लोगों के लिए कानून अलग होगा वो सभी वयस्क पर लागू होगा। महिलाओं के लिए क्या होंगे कानून कुछ अलग होंगे, दिव्यांगों के लिए कुछ कानून अलग होंगे, लेकिन वो सभी दिव्यांगों पर लागू होंगे। लेकिन हमारे संविधान में ये कहा गया कि हम इन दोनों को मानता देते हैं, दोनों को एक्सेप्ट किया गया। तो ये होता है क्या विधि की समानता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15। ये क्या कहता है, ये कहता है जैसे आप लोग आजकल देखते हैं कि किसी भी सरकारी क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं क्या है? ये सरकार की संपत्ति है या मेरी संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ये नहीं कहती है कि हम आपसे 15 के तहत मूल वंश धर्म जाति जन्म स्थान निवास मतलब इनके आधार पर हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि इनके आधार पर हम तुमसे विभेद करेंगे, भिन्नता नहीं क्रिएट करेंगे। यानी किसी भी अस्पताल में किसी भी जाति का कहीं का निवासी भी व्यक्ति जा सकता है, अपना इलाज करा सकता है, वापस कि सरकारी पार्क में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी ओरिजिन बाहर के किसी क्षेत्र के रहने वाला हो वो जा सकता है, वहां रह सकता है, अपने जो भी वहां के रूल्स हैं आराम से फॉलो कर सकता है, किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं क्रिएट की गई। इसी आधार पर क्या कहता है कि अवसर की स्वतंत्रता, यानी एक वर्ड होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। सार्वजनिक नियोजन क्या होते हैं, यानी जिन भी नौकरियां सरकार वैकेंसियां निकालती है उन वैकेंसियों में सभी लोगों के लिए अवसर क्या होगा समान होगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ गई होगी तुरंत कि फिर आरक्षण कहां से आ गया सर? हाँ आरक्षण का, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि लोगों के साथ ये इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन लोगों में अभी भी भिन्नताएं हैं, अब उन भिन्नताओं को कैसे दूर करें, इसके लिए इसमें प्रावधानों को और बढ़ा दिया गया। इसमें 16 थर्ड जोड़ दिया गया, तीसरा पार्ट, और उसमें कहा गया कि सरकार यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को सामाजिक व शैक्षिक आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान का मतलब आरक्षण दे सकता है। तो आरक्षण का प्रावधान यहां से निकला, ये किसमें निकलता है नौकरियों में, और इसी से जस्ट पहले हमने कहा भिन्नता की बात, यानी किसी भी सरकारी संस्थान में उससे भिन्नता नहीं की जाएगी। तो ये अनुच्छेद पांचवा का 15 में ये कहता है कि किसी भी सरकारी स्कूल में जो आपको आरक्षण मिलता है एडमिशन के लिए वो यहां से निकल के आता है। तो आरक्षण में हम किसी दिन और अच्छे से चर्चा करेंगे, कहां कहां से प्रावधान निकल के आए, किन किन बातों पर आरक्षण मिलता है, क्यों मिलता है, कहां कहां से इनके प्रावधान है, क्यों किए गए, कहां पे रखा गया, किस लिए जरूरी है, इनका चर्चा हम फिर कभी करते हैं, आज इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। अगली बात करते हैं अस्पर्शता अनटचेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। हमारे पुराने जब हम भारत में पहले देखे स्वतंत्रता से पहले संविधान लागू होने से पहले तो देखते थे हम एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते थे, बेचारा नीमनी जाति का व्यक्ति है तो उसको दूर से पानी डालते। अब इस चीज को कैसे खत्म किया जाए तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि संविधान में एक व्यक्ति का अधिकार बना दिया कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है तो तुम उसके खिलाफ केस करो। तो यहां से निकल के आ गया क्या तुम्हारा अस्पर्शता, ऐसा नहीं इसके में दंड का भी प्रावधान है, आपसे आर्थिक रूप से भी वसूला जा सकता है, आपको जेल भी की जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि 1955 का अस्पर्शता संरक्षण अधिनियम 1955 उसके तहत अधिकार दिया गया सरकार को कि आपके इसके खिलाफ आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से दंड दिया जा सकता है। अगली बात करते हैं टाइटल उपाधि,
उपाधि क्या होती है, जैसे ब्रिगेडियर साहब जाता है, डॉक्टर साहब जाता है, पीएचडी कर ली डॉक्टर बन गई, क्या हुआ? सरकार ने कहा कि हां दो चीजें, रक्षा और शिक्षा, दो जगह उपाधियां बनी रहेंगी और किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यह कि लोगों में इक्वालिटी बनी रहे। फिर कहोगे इक्वालिटी के दो में क्यों रखा गया? दो में इसलिए रखा गया कि सेना के क्षेत्र में अगर वीर ज्यादा एक लड़ेगा तो दूसरा कहेगा यार मेडल के चक्कर में हम भी लड़े, वहां इसी की जरूरत है। यही काम शिक्षा में होगा, शिक्षा में लोग बढ़ेंगे तो इसे क्या होगा, देश का विकास होगा, एक से अपने से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए यहां केवल दो चीजों को छोड़कर आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन उठ जाता है आपके भी मन में, क्या कि फिर भारत रत्न को क्यों इतना उठाया घूमते, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये क्या है? इनपे भी केस हो गया 1954 में जब ये लागू किए गए तो इनपे भी केस हो गया। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सम्मान है उपाधियां नहीं। तो जितने हम पुरस्कार देखते हैं ये क्या है? सम्मान है, किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, उपाधि नहीं दी जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बेहतर समझ में आ गई होगी, और इससे ज्यादा हम लोग समझेंगे तो फिर कभी सामने बैठे होंगे तो फिर चर्चाएं और होंगी इस पे कि कैसे और अच्छे से इसको समझा जा सके, और जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे, हमारे मन में जो सवाल जवाब आएंगे उनका और बेहतर होगा। तो ये चीज, तो हमने आज केवल किसकी बात की? एक ही अधिकार की बात की, समानता का अधिकार। आज हमने किसकी बात कर ली? समानता के अधिकार की बात कर ली। इसी तरीके से हम अलग अलग छे उनकी भी बात करेंगे, तो फिर वो अगले वीडियो में हम लोग कभी बात करते हैं। लेकिन और आप इससे अच्छे विवाद के लिए आइए हमारे साथ जुड़िए, ऑफलाइन में जुड़िए, फिर आपको दिखेगा कि हाँ केवल यूट्यूब वाला एक वीडियो बना के ही हम दिखा रहे हैं या और भी ज्यादा टैलेंट है हमारे अंदर जो आप फिर समझ पाएंगे कि बेहतर क्या है। तो इसके लिए आप लोग जुड़ेंगे विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी में, हम आपसे रूबरू होंगे ऑफलाइन क्लास में, एक एनर्जी, एक कहानियां, कॉन्सेप्ट सबके साथ, क्योंकि जीएस को टफ नहीं बनाना, हलवा बनाना।